अस्सलाम वालेकुम। इजी कुकिंग शो के साथ हाजिर हैं। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी। आज हम भरी हुई हरी मिर्च बना रहे हैं। आप इसे स्टफ मिर्च भी कह सकते हैं, हरी मिर्च या बेसन वाली मिर्च। भरी हुई हरी मिर्च बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये हैं। एक बड़ा कप हमने बेसन का लिया है जिसे हमने छान लिया है। दो अदद हमने दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं जिसे हमने छिलका उतारने के बाद बॉयल किया है। अगर आप छिलके समेत करेंगे तो आलू लेस छोड़ देंगे, इसलिए हमने छिलका उतार के इसे बॉईल किया है। आधा पाव हमने हरी मिर्च लिए, इसे जर्मन मिर्च भी कहते हैं, मोटी मिर्च भी कह सकते हैं आप। मसालों में हमने आधा खाने का चम्मच नमक लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। चाट मसाला लिया हमने आधा खाने का चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्च लिए एक खाने का चम्मच। साबुत धनिया लिया है जिसे हमने भून के कूट लिया है, वो लिया एक खाने का चम्मच। सफ़ेद जीरा लिया एक खाने का चम्मच। सफ़ेद जीरे को भी हमने भून के कूट लिया है मोटा मोटा। थोड़ा सा हरा धनिया लिया है। कुटी हुई लाल मिर्च लिए दो चुटकी। नमक लिया है दो चुटकी। बेकिंग सोडा लिया है चौथाई चाय का चम्मच। बेसन को घोलने के लिए हमने ये मिर्चें, नमक और बेकिंग सोडा लिया है। अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आलूओं को मैश कर लेंगे। आप मैशर के ज़रिए भी मैश कर सकते हैं, यहाँ पर हम हाथों की मदद से मैश करेंगे। आलूओं को हमने मैश कर लिया है। अब इसमें हम मसाले शामिल करेंगे। मसालों में हमने नमक, चाट मसाला, कुटी हुई लाल मिर्च, साबुत धनिया, सफ़ेद जीरा ये शामिल करेंगे। हरा धनिया भी शामिल करेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आलूओं में हमने मसाला शामिल करके इसे मिक्स कर लिया है। इस स्टेज पे आप नमक और मिर्च चेक कर सकते हैं, अगर कम लगे तो और शामिल कर लें। हरी मिर्चों को हमने काट के इसमें से बीज निकाल लिए। आप देख सकते हैं जितने हो सके उतने बीज निकाल लें आप। अब इसमें हाथों की मदद से हम हरी मिर्च के अंदर आलू की फिलिंग भर लेंगे। आलू के मसाले को हमने हरी मिर्चों में भर लिया है। अब हम हरी मिर्चों के लिए बैटर तैयार करेंगे। एक कप हमने बेसन लिया है, इसे हमने छान लिया है। बेसन को घोलने के लिए हमने ये मिर्चें, नमक और बेकिंग सोडा लिया है। अब हम इन सब चीज़ों को बेसन में शामिल करेंगे, इसे मिक्स कर लेंगे। बेसन में हमने मसालों को मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके गाढ़ा सा बैटर तैयार करेंगे। ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, बेसन के बैटर को हम गाढ़ा रखेंगे, ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। बेसन हमने घोल लिया है, तकरीबन एक कप पानी इस्तेमाल हुआ है। इसी कप से हमने बेसन नापा था और इसी कप से ही हमने पानी शामिल किया है। पानी भी तकरीबन एक कप ही शामिल हुआ और बेसन भी एक ही कप था। इतना गाढ़ा होना चाहिए बेसन। अब हम मिर्चों को बेसन में डिप करके फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमने कुकिंग ऑयल लिया है। दरमियानी आंच पे कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेंगे। हरी मिर्च को हम, ये जो ऊपर का कटा हुआ हिस्सा है, इसको हम नीचे रखेंगे जहाँ से हमने मसाला शामिल किया, और इस तरीके से हम पूरी मिर्च को बेसन के अंदर डिप कर लेंगे। हरी मिर्च को हम इस तरीके से डिप कर लेंगे। तेल गरम हो चुका है, अब इसमें हम ये हरी मिर्च शामिल करेंगे। जिस तरफ से हमने कट लगाया था, मसाला भरा है, उसको हम नीचे रखेंगे इस तरीके से, और दूसरी तरफ से हम इसको इस तरीके से बेसन के अंदर डिप कर लेंगे ताकि बेसन पूरी मिर्च पे लग जाए। अब हम मिर्च को गरम ऑयल में शामिल करेंगे। दोनों तरफ से अब हम मिर्चों को पका लेंगे मीडियम फ्लेम पे। इसी तरीके से हम सारी मिर्चों को फ्राई कर लेंगे। मिर्च को हमने दोनों साइडों से फ्राई कर लिया है, इनका गोल्डन कलर आ गया। अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरीके से अब हम बाकी मिर्चों को भी फ्राई कर लेंगे। क्रिस्पी आलू से भरी हुई मिर्चें तैयार हैं। आप इसे स्नैक के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या साइड डिश के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इजी कुकिंग शो को सब्सक्राइब करें। जल्द ही किसी नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।